गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी ईद और ईद मुबारक इन एडवांस। आप आज जो ये मेकअप लुक देख रहे हैं, ये स्पेशल मैंने क्रिएट किया है ईद के लिए। आप घर बैठकर इस मेकअप को इजीली कर सकते हैं। बहुत ही कम प्रोडक्ट्स मैंने इसी में यूज़ किए हैं। आप घर में हैं पैंडमिक में, इस कोरोना टाइम में हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी फेस्टिवल है, हमें थोड़ा बहुत तो तैयार होना है। तो हम थोड़ा बहुत तो तैयार होंगे, तो हम इसे कह सकते हैं घर बैठकर जो थोड़ा सा हम अपने फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे हम इस फेस्टिवल में, उस टाइप का ये मेकअप है। होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर फॉर मोर अपडेट्स। तो आप देख सकते हैं कितना ही मतलब ये लुक अच्छा लग रहा है, एप्रोप्रिएट है इस सेशन के लिए, इस फेस्टिवल के लिए। आप इस मेकअप लुक को किसी भी वेडिंग में, किसी भी तरह के पार्टी में, मतलब किसी भी चीज़ में आप इसे मतलब इस तरीके के मेकअप को आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसे मेकअप को किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखना कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ किए हैं और किस तरह से मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा स्किन केयर। स्किन केयर में सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे अपना मॉइस्चराइज़र, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, वो है पॉन्स का लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं अपनी स्किन को प्रेप कर लूँगी ताकि मेरा जो मेकअप फिर काफ़ी अच्छा निकल कर आए। स्किन प्रेप होना बहुत ज़रूरी है गाइज। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है NYB का प्राइमर, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइमर है। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप अपने लिए ज़रूर एक बार चेक करिएगा अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से पसंद आती है। तो अच्छी तरीके से प्राइमर यहाँ पर लगा लेंगे अपने टीजोन एरिया पर, अपने जहाँ पर ओपन पोर्स है वहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आई मेकअप सबसे पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज आई मेकअप थोड़ा सा हैवी हो तो अदरवाइज़ आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्लू हेवन का कंसीलर, जो कि बहुत अच्छा कंसीलर है, अगेन अफोर्डेबल में। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मुझे इतना ज़्यादा डार्क सर्कल तो नहीं है, बट फिर भी मैं लगा लेती हूँ स्पंज की हेल्प से। मैं यहाँ पर पूरा ब्लेंड कर लिया मैंने यहाँ पर कंसीलर। उसके बाद हम इसे सेट करेंगे अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से, बिकॉज सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कंसीलर लगाया उसे सेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी हेल्प से हमारी जो आई शेडो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आएगी। तो यहाँ पर मैंने बेला वोस्टे का जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर ये, आप एक बार ट्राई करके देखिए। और ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, इस ब्रश का मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है अपने चैनल पर, अगर आपको ये ब्रश पसंद आते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है जैकलिन हिल का पैलेट, आई शेडो पैलेट, बहुत अच्छा पैलेट है ये, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। उसमें से मैंने एक कलर पिक किया है जिससे कि मैं अपने कट क्रीज एरिया को मैं फिल करूँगी। इतने ज़्यादा अच्छे हैं ये ब्रशेज, इतने अच्छी तरह से ब्लेंड होते हैं इस ब्रश से। मिस रोज का ये ब्रश है, बहुत अच्छा ब्रश है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, ट्रस्ट मी। मैंने अपना आई जो है कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा शिमर लुक देने के लिए, मैं यहाँ पर लिया है कैलमी का पैलेट, आई शेडो पैलेट, थोड़ा उसमें शिमर शेड है इसलिए मैंने वो लिया। उसे हम अच्छी तरीके से हम अपने आईज पर अप्लाई कर लेंगे। मैंने लोअर लैश लाइन पे भी सेम आई शेडो मैंने अप्लाई किया, जिससे कि बहुत अच्छा मेरा आई लुक निकल कर आया था। आप आगे देख सकते हैं इसे कि जितना भी फॉल आउट हुआ है हम उसे निकाल लेंगे अपने ब्रश की हेल्प से। यहाँ पर मैंने लिया है स्टे कोर्की का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला ये लिक्विड फाउंडेशन है। हाई कवरेज नहीं है, मीडियम कवरेज है, बट इस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे तो इतना ज़्यादा हमें हाई कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। हम घर पर ही है, घर पर ही हमारा फेस्टिवल अगर हम मना रहे हैं, घर के ही लोग हैं, तो इतना ज़्यादा हाई फाउंडेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत ही मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि ये
लिक्विड फाउंडेशन है आप, और थोड़ा सा ना ये डुई टाइप लगता है लगाने के बाद, मतलब जैसे जैसे आपका मेकअप सेट होता जाता है उस तरीके से ये थोड़ा सा मतलब शाइन करता है ये फाउंडेशन, तो इसकी मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद अगेन हम हमारे जो फाउंडेशन उसे सेट कर लेंगे हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर से, जो कि बेला वॉस्टे का कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैं उसे सेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे फेस को सेट कर लेंगे, किसी भी आप चाहे तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है पूरे फेस को इसे सेट करने के लिए। उसके बाद मैंने आईलाइनर के लिए लिया है लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर, जो कि अगेन हर लड़की का फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है। मैंने आईलाइनर लगा लिया है यहाँ पर, बहुत ही पतला आईलाइनर लगाया है मैंने, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाया। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ अच्छी तरीके से, उसे फिल कर लेंगे आईब्रोज को। मैंने यहाँ पर पेंसिल यूज़ किया है। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक गाइज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसमें से आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद मैंने लिया है इनसाइड का मस्कारा, जो कि अगेन अच्छा है। इनसाइड के सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मस्कारा से आप अपने लैशेस को कर्ल कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है NYBay का काजल, बहुत अच्छा, बहुत अफोर्डेबल। आपने मेरा हर वीडियो में देखा रहेगा मैं ये काजल यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड काजल है ये। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मिस रोज़ का ब्लश, जो कि ब्लश लगाना तो ज़रूरी है, ब्लश के बिना तो आपका मेकअप और हाइलाइटर के बिना आपका मेकअप अधूरा है। मैं अगेन सारे मेरे जितने आप ब्रश देख रहे हो पूरा ब्रश का सेट है, जिसमें कि आपको सब तरीके के ब्रशेस मिल जाते हैं, उसी सारे ब्रश की हेल्प से ही मैं पूरा मेकअप कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, सेम ब्रश नहीं है ये, उसी कंपनी का ब्रश है, उसी ब्रांड का है। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर अगेन मिस रोज़ का हाइलाइटर, ये भी बहुत अच्छा ज़्यादा हाइलाइटर है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लिपस्टिक, लिपस्टिक मुझे याद नहीं आ रहा किस ब्रांड का, बट मैं लिंक उसका दे दूँगी। आई थिंक ये मैंने मीशो से लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कलर, ना ही ब्राउन है ना ही रेड है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है ये, शेड बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। वन है, ये टू इन वन में, मतलब आपको ये लिक्विड में भी मिल जाएगा, मैट में भी मिल जाएगा, ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों साइड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके मेकअप को सेट करने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा ये मेकअप फिक्सर है, अफोर्डेबल में, सब किसी को ट्राई करना चाहिए। उसके बाद इसे सेट होने देंगे हम 5 to 10 seconds के लिए अपने मेकअप को। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक ज्वेलरी, जो कि है जंग ज्वेलरी, आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी कह सकते हैं, ये बहुत ही ट्रेंडिंग ज्वेलरी है। ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था, बी ऑथेंटिक करके एक इंस्टाग्राम स्टोर है, बहुत ही ट्रस्टेड है, मैं उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ही अच्छा पेज है वो, आप आँख बंद करके उनके प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर सकते हैं। देख सकते आप कितना प्यारा लग रहा है ये झुमका, झुमका नहीं सॉरी, ये ऑक्सीडाइज एक ईयरिंग है, जो कि बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत ज़्यादा। मैंने आई थिंक इसे सेकेंड टाइम मैंने वेयर किया है, और हेयर स्टाइल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बस मेरे जो आगे के फ्लिक्स थे बस उसी को मैं घुमा रही थी बार बार। होप आप लोगों को मेरी मेकअप लुक बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ये भी बताइए आप अगला वीडियो किस पर चाहते हैं। आप देख सकते हैं मेकअप कितना अच्छा निकल कर आया है, आप भी घर पर ट्राई करिए। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी ईद, ईद मुबारक, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, इस पैंडमिक में ज़्यादा आप किसी से गेट टुगेदर मत करिए, कम लोगों में ही त्यौहार को सेलिब्रेट करिए और खुशियाँ बांटिए, और एक दूसरे के लिए प्यार रखिए, दुआ करिए। ये जो लॉकडाउन चल रहा है जैसे ख़त्म हो जाए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में फिर से अच्छी तरीके से आगे बढ़े, सबके लिए दुआ करिए, सबके लिए प्रे करिए, सबके लिए प्रार्थना करिए। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मेरे सारे सभी जितने भी डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।